हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू GDC। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसमें हम कवर करने वाले हैं सस्पेंशन के फॉर्मुलेशन के बारे में। जी हाँ, तो किस तरीके से जनरली सस्पेंशन को फॉर्मुलेट किया जाता है, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि सस्पेंशन को फॉर्मुलेट करने के लिए यूज किए जाते हैं, डिस्कस करेंगे सारी चीज़ें। लास्ट तक वीडियो में बने रहें ताकि सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ सस्पेंशन से रिलेटेड, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं सस्पेंशन में फॉर्मुलेशन के बारे में। तो जनरली सस्पेंशन क्या है, हमारा ओरल लिक्विड डोजेस फॉर्म होता है जनरली ये, और लिक्विड डोजेस फॉर्म में भी बाईफेजिक इन नेचर होता है। तो इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अब हम बात करने वाले हैं फॉर्मुलेशन ऑफ सस्पेंशन के बारे में। क्योंकि जो सस्पेंशन होता है उसमें दो कंडीशन होती हैं, एक फेज होता है जिसको हम लिक्विड फेज बोलते हैं, दूसरा फेज जो होता है उसको हम सॉलिड फेज बोलते हैं। यानी कि अगर मैं कोई भी इनसॉल्युबल जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं उनको किसी भी लिक्विड मटेरियल में डिस्पर्स करा दूं, तो उस वाले मीडियम्स को, उस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, सस्पेंशन बोलेंगे। तो यहाँ पर बात हो रही है किसकी, फॉर्मुलेशन ऑफ सस्पेंशन की, यानी कि कौन कौन से कंपाउंड्स हैं जो कि जनरली यूज किए जाते हैं सस्पेंशन के फॉर्मुलेशन के लिए। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर सबसे फर्स्ट दिया हुआ है फ्लॉक्युलेटिंग एजेंट। फ्लॉक्युलेटिंग एजेंट क्या होते हैं, जनरली ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, जनरली फ्लॉक्स बनाने में हेल्प करते हैं। जो दो पार्टिकल्स के बीच में रिपल्शन होता है उस रिपल्शन को रिड्यूस कर देते हैं, जिससे वहां पर बहुत ही इजीली आपके पार्टिकल्स फ्लॉक्स फॉर्म कर सकते हैं। तो देखिए नाम से ही लिखा हुआ है फ्लॉक्युलेटिंग एजेंट, फ्लॉक्युलेटिंग एजेंट मतलब जो कि आपके फ्लॉक्यूल्स बनाने में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ है आपकी फॉर्मुलेशन ऑफ सस्पेंशन में फ्लॉक्युलेटिंग एजेंट। अब इनका काम क्या होता है, दे लीड टू डिक्रीज इन रिपल्शन पोटेंशियल। यानी कि ये क्या करते हैं, जनरली जो दो पार्टिकल्स के बीच में जनरली जो रिपल्शन होता है उस रिपल्शन पोटेंशियल को क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। एंड मेक पार्टिकल कम टुगेदर टू फॉर्म लूजली अरेंज्ड फ्लॉक्यूल्स। यानी कि क्या होता है, जैसे ही आपके जो पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल के बीच में जैसे ही आपका जो रिपल्शन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, उस कंडीशन में क्या होते हैं, वो पार्टिकल्स आपके कम टुगेदर होते हैं, यानी कि एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाते हैं, पास आ जाते हैं, और उसके बाद आपका फ्लॉक्यूल्स फॉर्म कर लेते हैं, लूजली फ्लॉक्यूल्स बना लेते हैं वो। नेक्स्ट दिया हुआ है एक्ट बाय रिड्यूसिंग द सरफेस टेंशन। यानी कि जो सरफेस टेंशन होता है जनरली उस सरफेस टेंशन को क्या कर देते हैं, ये रिड्यूस कर देते हैं, जिसकी वजह से पार्टिकल्स आपके इजीली एक दूसरे से कंबाइन हो पाते हैं, एक दूसरे से क्या कर पाते हैं, आपका फ्लॉक्यूल्स बना पाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ अगर आपसे कोई पूछे कि फ्लॉक्युलेटिंग एजेंट्स कौन कौन से जनरली यूज किए जाते हैं सस्पेंशन के फॉर्मुलेशंस में, तो एग्जांपल की अगर हम बात करें तो सबसे पहला दिया हुआ है SLS, सेकंड दिया हुआ है ट्विंस, उसके बाद स्पैन, उसके बाद कार्बोवैक्स। तो ये सभी क्या है, जनरली फ्लॉक्युलेटिंग एजेंट्स हैं। तो ये आपका SLS जो कि वाइडली यूज किया जाता है, ट्विन हो गया, स्पैन हो गया, और आपका कार्बोवैक्स हो गया, ये सभी क्या है, आपके फ्लॉक्युलेटिंग एजेंट्स होते हैं जो कि आपके यूज किए जाते हैं सस्पेंशन के फॉर्मुलेशन में, जो कि क्या करते हैं, सरफेस टेंशन को जनरली रिड्यूस करते हैं और जो फ्लॉक्यूल्स होता है उस फ्लॉक्यूल्स को लूजली फ्लॉक्यूल्स बनाने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर सस्पेंडिंग एजेंट एंड थिकनिंग एजेंट। व्हाट इज द मीन ऑफ सस्पेंडिंग एजेंट्स एंड थिकनिंग एजेंट्स। देखिए सस्पेंडिंग एजेंट्स की बात करें अगर हम यहाँ पर, तो सस्पेंडिंग एजेंट्स वो एजेंट्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, जनरली मीडियम में जनरली पार्टिकल्स को सस्पेंड करके रखते हैं। यानी कि आपका जो मीडिया है उस मीडिया में जो भी आप सॉलिड पार्टिकल्स यूज कर रहे हैं वो कैसे रहेंगे, सस्पेंडेड फॉर्म में रहेंगे, इसी को हम क्या बोलते हैं, सस्पेंडिंग एजेंट। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, एडेड टू द डिस्पर्जन मीडियम टू लेंड इट्स स्ट्रक्चर टू असिस्ट इन द सस्पेंशन द डिस्पर्स्ड फेज। यानी कि यहाँ पर जो आपका डिस्पर्स फेज होता है, जो भी आपका सस्पेंशन होता है उस सस्पेंशन में दो चीज़ें होती हैं, एक जिसे हम बोलते हैं क्या, डिस्पर्स्ड मीडिया, तो डिस्पर्स मीडियम हो गया, और एक जिसे हम बोलते हैं क्या, डिस्पर्स्ड फेज। तो ये क्या करते हैं, आपके जो डिस्पर्स फेज होते हैं उन डिस्पर्स फेज को जनरली सस्पेंड करके रखते हैं, इसका काम होता है।
तो ये तो हो गया हमारे किसके बारे में, जनरली सस्पेंडिंग एजेंट और थिकनिंग एजेंट्स के बारे में। नेक्स्ट दिया हुआ है यहाँ पर एग्जाम्पल, तो फर्स्ट दिया हुआ है पॉलीसेकेराइड। तो पॉलीसेकेराइड का मतलब सिंपल सा है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स की बात हो रही है। कार्बोहाइड्रेट्स की कैटेगरी के कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो कि एज ए थिकनिंग एजेंट्स जनरली और एज ए सस्पेंडिंग एजेंट्स क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पॉलीसेकेराइड्स में। तो पॉलीसेकेराइड में नेचुरल कैटेगरी में आता है अकेसिया, स्टार्च और टाल्क। जिसमें अगर हम बात करें स्टार्च की, तो स्टार्च हमारा क्या है, जनरली एक तरीके का पॉलीसेकेराइड होता है। और पॉलीसेकेराइड में भी अब हम बात करें तो दो कैटेगरी होती है, एक होता है होमोसेकेराइड और एक होता है हेट्रोसेकेराइड। तो जो स्टार्च होता है जनरली ये होमोसेकेराइड में आता है, और उसमें भी आपकी जनरली दो कैटेगरी होती है, एक होता है स्टोरेज, एक होता है स्ट्रक्चर। तो याद रखिएगा, अगर कोई आपसे पूछे कि होमोसेकेराइड में स्टार्च किस कैटेगरी में आता है, तो वो आता है आपके जनरली स्टोरेज वाले पार्ट में। तो ये हो गया हमारे यहाँ पर जनरल इंट्रो किसके बारे में, जनरली नेचुरल आपके पॉलीसेकेराइड जो कि आपके अकेसिया, स्टार्च और टाल्क, ये क्या है, नेचुरल जनरली पॉलीसेकेराइड है जो कि एज ए यूज किए जाते हैं किसमें, फॉर्मुलेशन ऑफ सस्पेंशन में। नेक्स्ट दिया हुआ है सिंथेटिक। तो सिंथेटिक में कौन कौन से यूज किए जाते हैं, एक यूज किया जाता है एमसी और एक यूज किया जाता है एचपीएमसी। अब एमसी और एचपीएमसी क्या है, जनरली ये सेल्यूलोज डेरिवेटिव कंपाउंड्स हैं, सेल्यूलोज डेरिवेटिव पॉलीमर्स भी बोला जाता है इनको। तो एमसी का मतलब क्या हो गया, एम से हो गया मिथाइल सेल्यूलोज, और HPMC से हो गया हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज। यानी कि ये दोनों ही आपके सिंथेटिक कैटेगरी के क्या है, जनरली कंपाउंड्स हैं जो कि यूज किए जाते हैं आपके सस्पेंडिंग एजेंट्स और थिकनिंग एजेंट्स के रूप में। नेक्स्ट दिया हुआ है यहाँ पर इनऑर्गेनिक एजेंट्स। अब बात कर लेते हैं इनऑर्गेनिक एजेंट्स के बारे में। तो अभी तक हमने बात की किसके बारे में, पॉलीसेकेराइड्स के बारे में और सिंथेटिक ड्रग्स के बारे में। अब बात कर लेते हैं इनऑर्गेनिक में। तो इनऑर्गेनिक में जनरली यूज किया जाता है क्ले और AlOH3, जो कि यूज किया जाता है आपका जनरली एज ए सस्पेंडिंग एजेंट्स और थिकनिंग एजेंट। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्ले जो होता है जनरली फॉर्मुलेशन ऑफ सस्पेंशन में किस पार्ट का एग्जाम्पल होता है। जैसे स्टार्टिंग में आपके दिया हुआ था फ्लॉकुलेटिंग एजेंट्स, वही हम यहाँ पर बात करें तो सस्पेंडिंग एजेंट, थिकनिंग एजेंट। तो वो पूछा जा सकता है कि क्ले आपका किसका एग्जाम्पल होगा सस्पेंशन के फॉर्मुलेशन के केस में, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट दिया है यहाँ पर सिंथेटिक में, ये आपका सिंथेटिक हो गया, इसमें दिया है कार्बोमर और कोलोइडल SiO2। अब सर ये सिंथेटिक यहाँ पर भी दिया हुआ है, यहाँ पर भी दिया हुआ है। तो डियर देखिए, ये कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड अगर हम बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिक की अगर हम बात कर रहे हैं, तो ये आपके सिंथेटिक किस में आ रहे हैं, उस वाले पार्ट में कवर हो रहे हैं। लेकिन भाई हम बात करें इनऑर्गेनिक वाले एजेंट्स की, तो इनऑर्गेनिक एजेंट्स में आपके आ जाता है क्ले और AlOH3। उसके बाद सिंथेटिक में आता है कार्बोमर और कोलोइडल SiO3। तो ये आपका जनरली SiO2 आपका किस में आ जाता है, ये सिंथेटिक वाले पार्ट में आ जाता है। तो ये आपके क्या है, जनरली एग्जाम्पल है जो कि फॉर्मुलेशंस के दौरान आपके जनरली यूज किए जाते हैं सस्पेंशन के केस में, यानी कि सस्पेंशन को बनाते टाइम फॉर्मुलेशन ऑफ सस्पेंशन के केस में ये आपका पूरा यूज किया जाता है। तो आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्टली क्वेश्चंस यहाँ से पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज थिकनिंग एजेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनऑर्गेनिक एजेंट। तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, तो अभी तक हमने बात की फॉर्मुलेशंस में, आपका जनरली फर्स्ट देखा था फ्लॉकुलेटिंग, सेकंड देखा हमने सस्पेंडिंग और थिकनिंग एजेंट। अब बात करने वाले हैं किसके बारे में, प्रोटेक्टिव कोलोइडल के बारे में। जी हाँ, प्रोटेक्टिव कोलोइडल में आपकी कौन कौन से कंपाउंड जनरली यूज किए जाते हैं एज ए प्रोटेक्टिव कोलोइडल। देखिए फर्स्टली ये समझते हैं, दे आर एब्जॉर्ब ऑन इनसॉल्यूबल पार्टिकल्स, यानी कि ये क्या करते हैं जनरली एब्जॉर्ब करते हैं आपके इनसॉल्यूबल पार्टिकल्स में जनरली, एंड इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द हाइड्रेशन लेयर फॉर्म्ड अराउंड सस्पेंडेड पार्टिकल्स। जो हमारे सस्पेंडिंग पार्टिकल्स होते हैं, उन सस्पेंडेड पार्टिकल्स के अराउंड क्या करते हैं, हाइड्रेशन कॉज कराते हैं, यानी कि सिंपल सी बात है, वाटर कंटेंट वहाँ पर क्या करते हैं, वहाँ पर वो आपका प्रॉपर तरीके से सराउंड कराते हैं। इसका काम क्या है, ये इसके आपके प्रोटेक्टिव कोलोइडल का, थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड मॉलिकुलर
इंट्रैक्शन किसके थ्रू कराते हैं? जनरली हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू, और आपका जनरली मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन के थ्रू ये आपके हाइड्रेशन कॉज कराते हैं वहाँ पर सराउंडिंग पार्ट में पार्टिकल्स के। कौन कौन से एग्जाम्पल हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल में सबसे पहला दिया हुआ है क्या, जिलेटिन। देखिए जिलेटिन आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा। जिलेटिन जो है जनरली आपके कैप्सूल वाले पार्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो कैप्सूल्स होते हैं, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल और हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, दोनों ही आपके बने होते हैं किसके, जिलेटिन के। इसीलिए उसको हम हार्ड जिलेटिन और सॉफ्ट जिलेटिन बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू जो उनका पार्ट है, जिस तरीके से वो आपके फॉर्मुलेट किए जाते हैं, उनके अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मुलेशंस के अकॉर्डिंग हम उनको दो कैटेगरी में डिफाइन करते हैं, सॉफ्ट जिलेटिन और हार्ड जिलेटिन। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है नेचुरल गम एंड सेल्यूलोइक एसिड। देखिए सेल्यूलोज आपका डेरिवेटिव्स यानी कि जनरली किसमें आएंगे, ये भी आपके सेल्यूलोज डेरिवेटिव्स भी आएंगे यहाँ पर, प्लस आपका यहाँ पर आएगा नेचुरल गम आएगा और जिलेटिन आएगा। ये सभी क्या है, आपके एग्जाम्पल है किसके, प्रोटेक्टिव कोलोइडल के। तो ये आपके जनरली यूज किए जाते हैं एज ए प्रोटेक्टिव कोलोइडल। अब क्वेश्चन कैसे बन सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एग्जाम्पल ऑफ प्रोटेक्टिव कोलोइडल विच इज यूज इन द फॉर्मुलेशन ऑफ सस्पेंशन। तो इस तरीके से आपको अच्छे से क्या करना है, इनके एग्जाम्पल को भी कवर करना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं वेटिंग एजेंट के बारे में। तो वेटिंग एजेंट्स क्या होते हैं, जनरली वेटिंग एजेंट्स वो एजेंट्स होते हैं जो कि जनरली क्या करते हैं, इंटरफेसियल टेंशन को डिक्रीज करते हैं। सिंपल सा आपको याद रखना है, बस आपको एक टर्म याद रखनी है। अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज वेटिंग एजेंट, तो आपको क्या बोलना है कि सर वेटिंग एजेंट्स आर दोज एजेंट्स विच इज जनरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्रीजिंग द इंटरफेसियल टेंशन, दैट्स इट। अब यहाँ पर याद रखिएगा कि जो वेटिंग एजेंट्स होते हैं, डिक्रीज इंटरफेसियल टेंशन बिटवीन सॉलिड पार्टिकल्स एंड लिक्विड मीडियम। यानी कि जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमारा क्या है, यहाँ पर एक मीडियम है, इस मीडियम में आपके जनरली कुछ सॉलिड पार्टिकल्स भी क्या हैं, इसमें ऐड किए गए हैं। तो सॉलिड पार्टिकल्स प्लस हमारा लिक्विड मीडियम, दोनों में ही आपके जनरली क्या है, अगर वेटिंग एजेंट प्रेजेंट है तो वेटिंग एजेंट का काम क्या होगा, जनरली ये क्या करेगा, इन दोनों के बीच में जो इंटरफेशियल टेंशन होता है, उस इंटरफेशियल टेंशन को क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं सॉलिड और लिक्विड मीडियम के बीच में। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेटिंग एजेंट यूज्ड, यानी कि कौन कौन से टाइप्स के जनरली वेटिंग एजेंट्स यूज किए जाते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ सस्पेंशन के केस में। सबसे पहला दिया हुआ है यहाँ पर क्या, सर्फेक्टेंट। जी हाँ, सर्फेक्टेंट एज ए यूज किया जाता है आपका वेटिंग एजेंट किस में, आपके सस्पेंशन के केस में। नेक्स्ट दिया हुआ है हाइड्रोफिलिक पॉलीमर। हाइड्रोफिलिक पॉलीमर का मतलब क्या हो गया, यानी कि जो वाटर लवर हो, यानी कि वाटर में क्या हो, वो डिजॉल्व होता हो, उसको हम क्या बोल रहे हैं, हाइड्रोफिलिक पॉलीमर, यानी कि ऐसा पॉलीमर जो वाटर लवर है, वाटर में डिजॉल्व भी होता है, इसी को हम बोल रहे हैं आपका हाइड्रोफिलिक पॉलीमर। नेक्स्ट दिया हुआ है सॉल्वेंट की अगर हम बात करें, तो एज ए सॉल्वेंट में हम क्या क्या यूज करते हैं, वाटर यूज करते हैं और अल्कोहल यूज करते हैं। तो वाटर हो गया, अल्कोहल हो गया, ये भी हमारा जनरली क्या किया जाता है, प्रीफर किया जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, तो सबसे पहला दिया हुआ है अल्कोहल इन ट्रेगाकेंट म्यूसिलेज ग्लिसरिन इन सोडियम एल्जिनेट। यानी कि ये क्या है, आपके जनरली एग्जाम्पल्स हैं जो कि आपके एज ए वेटिंग एजेंट क्या करते हैं, वर्क करते हैं। तो आई होप कि यहाँ तक भी आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। वेटिंग एजेंट्स आपको अच्छे से याद रखने हैं, कौन कौन से वेटिंग एजेंट्स हैं जो कि पूछे जा सकते हैं, हाइड्रोफिलिक ही होता है या हाइड्रोफोबिक होता है, इसमें भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको अच्छे से ये कवर करना है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर, अब बात करते हैं प्रिजर्वेटिव के बारे में। तो प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए प्रिजर्वेटिव का मतलब क्या होता है, ऐसे एजेंट्स, ऐसे कंपाउंड्स जो कि क्या करते हों, किसी भी आपकी फॉर्मुलेशन को प्रिजर्व करके रखते हों, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रिजर्वेटिव बोलते हैं। तो देखिए प्रिजर्वेटिव का काम क्या होता है, क्योंकि आपका जो सस्पेंशन है उसमें वाटर क्वांटिटी प्रेजेंट है, क्योंकि ये आपका लिक्विड डोजेस फॉर्म होता है, और लिक्विड डोजेस फॉर्म में आपके जनरली कंटामिनेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, फॉर्मुलेशन की स्टेबिलिटी कम होती है किसके कंपैरिजन में, सॉलिड डोजेस फॉर्म के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर उस फॉर्मुलेशन को मोर स्टेबल बनाने के लिए, माइक्रोब्स की ग्रोथ से प्रिवेंट करने के लिए हम यूज करते हैं यहाँ पर क्या, प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं, जो कि आपके जनरली आपने देखा भी होगा। अगर एग्जाम्पल की हम बात करें तो
घर पे मम्मी अचार बनाती हैं, याद करिए आपने देखा भी होगा, अचार बनाते टाइम पर उसको बनाने के बाद उसमें क्या किया जाता है, प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है। दैट मीन जो चीज़ उसको क्या करके रखे, प्रिजर्व करके रखे, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिजर्वेटिव। जैसे हमारा ऑयल हो गया, मम्मी क्या करती हैं उसको बहुत सारे ऑयल में रख देती हैं ताकि वो क्या रहे, प्रिजर्व रहे। उसके साथ साथ ऑयल के साथ साथ उसमें जनरली या तो बहुत ज़्यादा नमक का यूज करते हैं, नमक भी आपका एज ए प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है, और विनीगर का यूज किया जाता है। विनीगर क्या होता है, जनरली CH3COOH, जो इसका जनरल फॉर्मूला है, इसको हम जनरली क्या कहते हैं, एसेटिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। तो ये विनीगर भी आपका जनरली यूज किया जाता है आपके एज ए प्रिजर्वेटिव, ताकि आपके अचार को काफ़ी टाइम तक क्या किया जा सके, उसको अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखा जा सके। तो ये तो हो गई बात किसकी, प्रिजर्वेटिव की। अब ये करते क्या है, चलिए देख लेते हैं। ए प्रिजर्वेटिव इज ए सब्सटेंस और ए केमिकल दैट इज एडेड टू प्रोडक्ट सच एज फूड प्रोडक्ट, बेवरेज, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, पेंट्स, बायोलॉजिकल सैंपल्स, कॉस्मेटिक, वुड्स एंड मैनी अदर प्रोडक्ट टू प्रिवेंट डिकम्पोजिशन बाय माइक्रोबियल ग्रोथ। ये तो हो गई बहुत बड़ी डेफिनेशन, सर कैसे याद रखेंगे। सिंपल सी अगर डेफिनेशन बात करें ना, तो सिंपल सा आपको क्या बोलना है, प्रिजर्वेटिव्स आर दोज एजेंट्स विच प्रिवेंट द डिकम्पोजिशन बाय माइक्रोबियल ग्रोथ, खत्म। यानी कि जो प्रिजर्वेटिव होते हैं ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कि माइक्रोबियल ग्रोथ की वजह से होने वाले डिकम्पोजिशन को क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, उन्हीं को हम प्रिजर्वेटिव बोलते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन जनरली आपके एग्जाम में पूछी जाती है, व्हाट इज प्रिजर्वेटिव, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ प्रिजर्वेटिव, डिफाइन द प्रिजर्वेटिव, तो वहाँ पर भी आपको ईजी रहेगा। प्लस आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी ये डेफिनेशन पूछी जा सकती है, जो आपके प्रिजर्वेटिव होते हैं ये क्या करते हैं, तो प्रिवेंट डिकम्पोजिशन बाय माइक्रोबियल ग्रोथ, सिंपल सा। तो ये तो बात हो गई किसकी, जनरली प्रिजर्वेटिव की। अब प्रिजर्वेटिव किस किस पर्पज़ के लिए यूज करते हैं, हम यहाँ पर कहाँ कहाँ पर यूज करते हैं, तो प्रिजर्वेटिव का फूड प्रोडक्ट में, यानी कि जितने भी आपने फूड प्रोडक्ट्स देखे होंगे, उन फूड प्रोडक्ट्स को हम जब क्या कराते हैं, पैक करते हैं, या फिर हम कहीं भी आपका डिस्पेंस करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपका वहाँ पर भी प्रिजर्वेटिव यूज़ किया जाता है। तभी तो हमारा जो खाना है, जो भी हमारे चीज़ें हैं, वो कैसी रहती हैं, प्रॉपर तरीके से स्टेबल रहती हैं और सही रहती हैं, खराब नहीं होती हैं। नेक्स्ट दिया है बेवरेज, तो बेवरेज का मतलब क्या हो गया, यानी कि जैसे आपने देखा होगा सॉफ्ट ड्रिंक्स की बात हो रही है, जितनी भी आपके कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ये जो आते हैं आपके, ये क्या है, सब बेवरेज होते हैं। इनमें भी आपके प्रिजर्वेटिव यूज किए जाते हैं ताकि उनको काफ़ी टाइम तक क्या किया जा सके, उसको अच्छे से स्टेबल रखा जा सके और स्टोरेज कंडीशन उसकी मेंटेन की जा सके। नेक्स्ट दिया हुआ है फार्मास्यूटिकल्स ड्रग्स, तो फार्मास्यूटिकल्स ड्रग्स का मतलब यानी कि जो भी आपके फार्मास्यूटिक्स में जनरली आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ड्रग्स होते हैं, उन ड्रग्स में भी आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फॉर्मुलेशंस में आपका प्रिजर्वेटिव प्रिफर किया जाता है, प्रिजर्व करने के लिए किसी भी चीज़ को आपके अच्छे से उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। पेंट्स हो गया, बायोलॉजिकल सैंपल्स हो गए, जैसे आपके डिफरेंट डिफरेंट बायोलॉजिकल सैंपल्स होते हैं, उनको भी आपका जनरली क्या किया जाता है, प्रिवेंट किया जाता है डिकम्पोजिशन से, किसके द्वारा होने वाले, माइक्रोबियल ग्रोथ के द्वारा होने वाले। कॉस्मेटिक और वुड्स, वुड्स में भी जनरली प्रिजर्वेटिव यूज किए जाते हैं। तो ये तो बात हो गई किसकी, आपके जनरली प्रिजर्वेटिव कहाँ कहाँ पर यूज किया जाता है। मोस्टली हम सस्पेंशन की बात कर रहे हैं, तो सस्पेंशन के केस में प्रिजर्वेटिव क्यों यूज किया जाता है, आई होप कि यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, प्रिवेंट डिकम्पोजिशन बाया माइक्रोबियल ग्रोथ। चलिए तो ये तो बात हो गई किसकी, प्रिजर्वेटिव की। आगे बात कर लेते हैं अब एग्जाम्पल की, कि कौन कौन से आपके प्रिजर्वेटिव्स हैं जो कि एज ए प्रिजर्वेटिव यूज किए जाते हैं प्रिवेंट करने के लिए किसी भी फॉर्मुलेशन को। फर्स्ट दिया हुआ है बेंजोइक एसिड, जी हाँ, बेंजोइक एसिड आपका जनरली क्या है, आपका बेंजीन की बात हो रही है प्लस आपके कार्बोक्सिलिक एसिड की बात हो रही है, यानी कि अगर मैं बेंजीन में कार्बोक्सिलिक एसिड को अटैच कर दूं तो क्या बन जाएगा हमारा, बेंजोइक। क्यों, क्योंकि बेंजीन की बात हो रही है मतलब बेंज की बात हो रही है, और ऑइक मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, तो क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड, जो कि यूज किया जाता है किसके लिए, आपका जनरली एज ए प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है। मिथाइल पैराबिन हो गया, प्रोपाइल पैराबिन हो गया, ये क्या है, आपके प्रिजर्वेटिव्स हैं जो कि आपके यूज किए जाते हैं किसमें, कॉस्मेटिक के केस में भी आपके ये यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है बेंजोइक एसिड के बाद सोडियम बेंजोइट, देखिए सोडियम बेंजोइट भी आपका यूज किया जाता है एज ए प्रिजर्वेटिव। तो ये आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं, क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है।
नेक्स्ट बात कर लेते हैं ऑर्गेनोलैक्टिक एडिटिव्स। अब किसकी बात कर रहे हैं? ऑर्गेनोलैक्टिक एडिटिव्स की। ये क्या होते हैं सर? क्या ये भी फॉर्मुलेशन को प्रोटेक्ट करके रखते हैं? तो जी नहीं, बिल्कुल डियर, याद रखिएगा, जो आपके ऑर्गेनोलैक्टिक्स एजेंट्स होते हैं, ऑर्गेनोलैक्टिक्स जो आपके कंपाउंड्स होते हैं, इनका काम क्या होता है, जो भी आपकी फॉर्मुलेशन है उस फॉर्मुलेशन के ऑर्गेनोलैक्टिक प्रॉपर्टी को इन्हेंस करना इनका मेन पर्पज होता है। अब सर ऑर्गेनोलैक्टिक प्रॉपर्टी क्या होती है, इसको समझ लेते हैं। देखिए ऑर्गेनोलैक्टिक प्रॉपर्टी का मतलब यानी कि उसके टेस्ट की बात हो रही है, उसके कलर की बात हो रही है, उसके टेक्सचर की बात हो रही है, उसके अपीरियंस की बात हो रही है। तो इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं जनरली उसको इन्हेंस करने के लिए, उसको बेटर बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? ऑर्गेनोलैक्टिक एडिटिव्स यूज करते हैं। तो चलिए सस्पेंशन में हम क्या करते हैं ऑर्गेनोलैप्टिक प्रॉपर्टीज को इन्हेंस करने के लिए? तो यहाँ पर क्या करते हैं, ऑर्गेनोलैप्टिक एडिटिव्स प्रमोट एपीरियंस एंड प्लेटेबिलिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म। यानी कि जो हमारे फॉर्मुलेशंस होते हैं उसमें जो ऑर्गेनोलैप्टिक कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनोलैप्टिक एडिटिव्स होते हैं, ये क्या करते हैं, उनकी अपीरियंस को और या फिर उनकी प्लेटेबिलिटी को जनरली क्या करते हैं, इनहेंस करते हैं। प्लेटेबल का मतलब प्लेजेंट टेस्ट हो गया, ऑर्डर उनका अच्छा हो गया, तो उसको ये क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जैसे आपका कलरिंग एजेंट है, यानी कि जो भी आप कलरिंग एजेंट यूज करते हो कलर के लिए, आप किसी भी फॉर्मुलेशन को कलरफुल बनाने के लिए आप जो भी एजेंट्स यूज करते हो उसको हम क्या बोलते हैं जनरली, वो भी आपका एक ऑर्गेनोलैप्टिक एडिटिव होता है। वही हम बात करें स्वीटनिंग एजेंट की, स्वीटनिंग एजेंट का मतलब जो कि आपके शुगर के लिए एज ए स्वीटनेस के लिए यूज किए जाते हैं, वो भी आपका किस में आता है, ऑर्गेनोलैप्टिक प्रॉपर्टी, यानी कि ऑर्गेनोलैप्टिक प्रॉपर्टी को इनहेंस कर रहे हो आप, यानी कि उसके टेस्ट को इनहेंस कर रहे हो, जो कि किस में आता है, ऑर्गेनोलैप्टिक प्रॉपर्टी में आता है। नेक्स्ट हो गया आपका यहाँ पर फ्लेवरिंग एजेंट। फ्लेवरिंग एजेंट्स आपने देखे होंगे, बहुत सारे बच्चों के ऐसे सीरप्स आते हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर में अवेलेबल होते हैं। बड़ों में भी ऐसा होता है, बट मोस्टली जो आपका फ्लेवर मतलब अगर हम बात करें टर्म की, तो ये आपके बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा प्रिफर किया जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चों को कहीं ना कहीं वो विदाउट फ्लेवर अगर वो इंटेक करेंगे तो उनको नोजिया या वॉमिट हो सकता है, इसीलिए तो ये इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है कि बच्चों को जो भी हम फॉर्मुलेशन प्रिफर करें उसमें फ्लेवरिंग एजेंट्स एड ऑन करें, ताकि उससे उनको उसको इंटेक करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो ये होते हैं डियर स्टूडेंट क्या, ऑर्गेनोलैप्टिक एडिटिव्स, जो कि ऑर्गेनोलैप्टिक प्रॉपर्टी को इन्हेंस करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो आई होप कि यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं किसके बारे में। नेक्स्ट दिया हुआ है कंडीशन ऑफ वेटिंग एजेंट्स की। देखिए अभी हमने डिस्कस किया था वेटिंग एजेंट के बारे में कि वेटिंग एजेंट्स क्या होते हैं। वेटिंग एजेंट्स दोज एजेंट्स विच रिड्यूस विच डिक्रीज द इंटरफेशियल टेंशन बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल्स। बस इतना सा आपको याद रखना है। तो ये तो बात हो गई थी किसकी, डेफिनेशन ऑफ वेटिंग एजेंट्स की, लेकिन हम बात करने वाले हैं वेटिंग एजेंट्स की जनरली वेटिंग प्रॉपर्टी को लेकर, यानी कि कौन सा वाला वेटिंग एजेंट होता है जो कि बहुत ही अच्छा वर्क करता है, कितने कॉन्टैक्ट एंगल पर सबसे अच्छी वेटेबिलिटी दिखने को मिलती है, ये इन चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए यहाँ पर आपको चार एंगल देखने को मिलेंगे, चार एंगल इन द सेंस चार टाइप की कंडीशन आपको देखने को मिलेंगी। सबसे पहला है यहाँ पर क्या, जो आपका लिक्विड है और जो आपका जनरली एंगल यहाँ पर बीच में बन रहा है, वो आपको एंगल को देखना है, कितने एंगल की बात हो रही है यहाँ पर, कॉन्टैक्ट एंगल है यहाँ पर 180 डिग्री, यानी कि जो वेटिंग एजेंट है उस वेटिंग एजेंट का जब कॉन्टैक्ट एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है, उस कंडीशन में नॉन वेटिंग देखने को मिलती है। नॉन वेटिंग मतलब वहाँ पर वेटिंग देखने को नहीं मिलेगी, यानी कि वहाँ पर इंटरफेशियल टेंशन रिड्यूस नहीं हुआ, डिक्रीज नहीं हुआ, तो ये आपका बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं होता है, पहली चीज़। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कॉन्टैक्ट एंगल कितना है, अगर 90 डिग्री है तो हाँ 90 डिग्री पर वेटिंग आपकी प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी, बट बहुत अच्छी क्वालिटी की, बहुत अच्छी वेटिंग प्रॉपर्टी यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है वेटिंग एजेंट के थ्रू। यानी कि वेटिंग एजेंट प्रॉपर्टी तो देखने को मिलेगी, लेकिन लो वेटिंग प्रॉपर्टी यहाँ पर देखने को मिलती है। नेक्स्ट दिया हुआ है कॉन्टैक्ट एंगल अगर क्या है यहाँ पर 90 डिग्री से कम है,
लेस देन 90 डिग्री है, उस कंडीशन में थोड़ी सी वेटिंग प्रॉपर्टी अच्छी हो जाएगी। यानी कि सीधा सा सिंपल यहाँ पर एक चीज़ आप समझ पा रहे होंगे कि जैसे जैसे कॉन्टैक्ट एंगल को हम कम कर रहे हैं, बढ़ा नहीं रहे हैं, यहाँ पर हम कॉन्टैक्ट एंगल को कम कर रहे हैं, वैसे वैसे वेटिंग जो प्रॉपर्टी है वो अच्छी होती जा रही है। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना ही चाहिए। यहाँ पर देखिए कैसे, यहाँ पर था 180 डिग्री, तो जब 180 डिग्री कॉन्टैक्ट एंगल था तो वेटिंग प्रॉपर्टी थी नहीं, बिल्कुल भी मतलब नहीं थी। लेकिन जैसे ही वेटिंग प्रॉपर्टी कम मतलब इन द सेंस हुई आपकी, जब आपका जो एंगल है यहाँ पर कॉन्टैक्ट एंगल वो थोड़ा सा कम हुआ, वेटिंग प्रॉपर्टी आना स्टार्ट हो गई। उसके बाद इससे थोड़ा सा कम हुआ, हाई वेटिंग प्रॉपर्टी देखने को मिली। लेकिन यहाँ पर पूछा जाता है किस कॉन्टैक्ट एंगल पर सबसे अच्छी वेटिंग प्रॉपर्टी देखने को मिलती है, तो याद रखिएगा द करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा जीरो डिग्री। यानी कि डिग्री की बात कर रहे हैं तो जीरो एंगल यानी कि जीरो कॉन्टैक्ट एंगल पर सबसे अच्छी परफेक्ट वेटिंग प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मोस्टली क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से भी पूछा जाता है कि वेटिंग प्रॉपर्टी जो होती है ये किस कॉन्टैक्ट एंगल पर अच्छी देखने को मिलती है। चलिए बात कर लेते हैं कॉन्टैक्ट एंगल के बारे में। तो कॉन्टैक्ट एंगल आपका यहाँ पर है जीरो, उसके बाद यहाँ पर है आपका लेस देन 90, उसके बाद है आपका 180, उसके बाद है आपका 180। यानी कि सिंपल सा है, यहाँ पर आपका सबसे पहले अगर हम बात करें जीरो कॉन्टैक्ट एंगल, उसके बाद लेस देन 90, उसके बाद 90, उसके बाद आपका 180। तो सबसे अच्छी जो हमें कॉन्टैक्ट एंगल मिला था, जिस कॉन्टैक्ट एंगल पे हमें ज़्यादा अच्छी वेटिंग प्रॉपर्टी देखने को मिलती है, वो होता है जीरो। यानी कि जीरो कॉन्टैक्ट एंगल पर कोई भी वेटिंग एजेंट आपका जनरली यहाँ पर बात हो रही है, वो आपका बहुत अच्छी वेटिंग प्रॉपर्टी शो करता है। तो डिग्री ऑफ वेटिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें ये आपको अच्छे से याद रखना है, परफेक्ट वेटिंग जीरो कॉन्टैक्ट एंगल, उससे ज़्यादा थोड़ा सा यानी कि 90 से लेस देन और जीरो से थोड़ा सा ज़्यादा तो हाई वेटिंग एबिलिटी देखने को मिलेगी, उससे ज़्यादा 90, अगर 90 से ज़्यादा तो क्या हो जाएगी, लो वेटिंग एबिलिटी। और अगर आपका 180 यहाँ पर कॉन्टैक्ट एंगल है तो उस कॉन्टैक्ट एंगल पर कोई भी वेटिंग प्रॉपर्टी देखने को नहीं मिलेगी। ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी गया है कॉम्पिटिशन एग्जाम में। तो आई होप कि यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि वेटिंग प्रॉपर्टी क्या होती है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो अब समझ लेते हैं, जैसे कि अभी हमने देखा कि कॉन्टैक्ट एंगल क्या होता है, कैसे वेटिंग प्रॉपर्टी होती है, ये सारी चीजें हमने कवर कर ली। लेकिन कैसे आपका जो वेटिंग प्रॉपर्टी होती है वो होती है, हैपेंड होती है, एक एक स्टेप को यहाँ पर देखेंगे। चलिए सबसे पहला दिया हुआ है प्रोसेस ऑफ वेटिंग, कैसे वेटिंग प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर दिया हुआ है थ्री स्टेजेस आर इन्वॉल्व इन वेटिंग ऑफ अ सॉलिड, दे आर, जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उनको वेट करने के लिए जनरली तीन प्रोसेसेस में यानी कि तीन प्रोसेस होती हैं, स्टेप्स होती हैं जो कि हमें फॉलो होती हैं यहाँ पर एक पर्टिकुलर किसी भी वेटिंग को कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पर दिया हुआ है फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, अडहेशन वेटिंग, अडहेशन वेटिंग। सेकेंड दिया है इमर्सनल वेटिंग, और उसके बाद होती है स्प्रेडिंग वेटिंग। यानी कि तीन स्टेप्स होते हैं आपके वेटिंग प्रॉपर्टी के, तीन स्टेप्स होते हैं वेटिंग के। तो यहाँ पर फर्स्ट दिया हुआ है अडहेशन। अडहेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर आपका जो ए है और जो बी है इन दोनों के बीच के कॉन्टैक्ट की बात हो रही है, तो सबसे पहले वो आपका जनरली क्या करेगा, उस पर्टिकुलर कंपाउंड से वो अडहेयर होगा, इसीलिए इसको हम क्या बोले हैं, अडहेशन प्रॉपर्टी यानी कि अडहेशन। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, इन दिस स्टेज द सर्फेस ऑफ सॉलिड इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद द लिक्विड सर्फेस एज सोन एज फिगर फ्रॉम स्टेप ए एंड बी। यानी कि इस केस में क्या होता है, अडहेशन वेटिंग का मतलब ये होता है कि जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो सॉलिड पार्टिकल्स लिक्विड मीडियम के कॉन्टैक्ट में आते हैं, अडहेयर में आते हैं, इसको बोल रहे हैं फर्स्ट स्टेप। यहाँ पर आप देख सक पा रहे हैं ए और बी, तो ये जो आपका सॉलिड पार्टिकल है, ये सॉलिड पार्टिकल आपके कहाँ पर आ गया, इस लिक्विड पार्टिकल्स के कॉन्टैक्ट में आ गया, अडहेशन में आ गया। नेक्स्ट दिया हुआ है इमर्सनल वेटिंग। इमर्सनल वेटिंग में क्या होता है कि जैसे ही आपके जनरली कॉन्टैक्ट में आते हैं तो इट अकर्स फ्रॉम बीसी ड्यूरिंग दिस स्टेज, जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं और जो लिक्विड पार्टिकल्स हैं उनके इंटरफेस इज फॉर्म्ड एंड
सॉलिड एयर इंटरफेस इज लॉस्ट, यानी कि जो आपका जनरली इंटरफेस होता है इनके बीच में जो इंटरफेशियल टेंशन होता है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर प्रॉपर तरीके से क्या होती है, बैटिंग देखने को मिलती है, मतलब वो एक दूसरे में क्या हो जाते हैं, इमर्स हो जाते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है स्प्रेडिंग वेटिंग। स्प्रेडिंग वेटिंग का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, फाइनली लिक्विड स्प्रेड ओवर द एंटायर सरफेस ऑफ सॉलिड इन दिस स्टेज विच अकर्स फ्रॉम स्टेप, यानी कि इस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारा सॉलिड पार्टिकल होता है उस सॉलिड पार्टिकल के पूरे सरफेस पर लिक्विड हमारा जो होता है वो क्या कर लेता है, कवर अप कर लेता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, वेटिंग प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो आई होप कि यहाँ पर आपको वेटिंग प्रॉपर्टी समझ में आई होगी और किस एंगल पर सबसे अच्छी वेटिंग प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। तो याद रखिएगा कॉन्टैक्ट एंगल कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, जीरो पर परफेक्ट वेटिंग देखने को मिलती है। तो ये थे कुछ स्टेप्स डियर प्रोसेस ऑफ वेटिंग के, यानी कि किस तरीके से वेटिंग प्रोसेस होती है उसके बारे में कुछ फॉलोइंग स्टेप्स थे। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा। देखिए अभी तक डिस्कस किया हमने वेटिंग प्रॉपर्टी के बारे में, वेटिंग प्रॉपर्टी क्या होती है, किस तरीके से जनरली हमारी वेटिंग प्रोसेस होती है, सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। अब बात की जाती है किसके बारे में, क्वेश्चन पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज जनरली यूज्ड फॉर वेटिंग एजेंट्स, यानी कि वेटिंग प्रॉपर्टी के लिए, वेटिंग एजेंट्स के लिए जनरली कौन कौन से टेस्ट आपके प्रीफर किए जाते हैं, ये भी क्वेश्चन कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा हुआ है। सबसे पहला दिया हुआ है यहाँ पर क्या, ड्रेव टेस्ट। तो ड्रेव टेस्ट हो गया आपका, ये भी क्या है, जनरली एक तरीके का टेस्ट होता है जो कि वेटिंग एजेंट्स के लिए प्रिफर किया जाता है। नेक्स्ट होता है कॉन्टैक्ट एंगल मेथड। कॉन्टैक्ट एंगल मेथड आपका एक तरीके का मेथड होता है जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं मेथड के थ्रू जनरली आपके कॉन्टैक्ट एंगल को, उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं हमारी बैटिंग प्रॉपर्टी को, बैटिंग एजेंट्स को। नेक्स्ट दिया हुआ है यहाँ पर एम्पिरिक टेस्ट, और दूसरा के बाद आपका दिया है यहाँ पर ट्रॉफ टेस्ट। तो देखिए ट्रॉफ टेस्ट और एम्प्रिक टेस्ट ये भी आपके प्रीफर किए जाते हैं किसके लिए, वेटिंग एजेंट्स के लिए, जो कि वाइडली आपके यूज किए जाते हैं। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला दिया हुआ है ड्रेव टेस्ट। दिस टेस्ट डिटरमाइंस वेटिंग एबिलिटी बाय कैलकुलेटिंग द टाइम टेकन फॉर वेट स्किन ऑफ कॉटन यार्न टू सिंक इन वेटिंग सॉल्यूशन कंटेंड इन 5 ml मेजरिंग ग्रेजुएट। देखिए अब यहाँ पर क्या हुआ, कुछ समझ में नहीं आया सर, सारी चीज़ें ऊपर से चली गई। देखिए ड्रेव टेस्ट में क्या होता है, जो हमारा मेजरिंग ग्रेजुएट सिलेंडर होता है उसमें हम क्या करते हैं, 5 ml लिक्विड को फिल करते हैं, उसके बाद उसमें हम क्या करते हैं, एक कॉटन यार्न को उसमें मिक्स कराते हैं, उसके अंदर डिप कराते हैं और उसमें वेटिंग एजेंट्स को क्या करते हैं, एड ऑन करते हैं। उसके बाद ये चेक करते हैं कि वो कितनी जल्दी हमारा जो मटेरियल है वो क्या हो रहा है, वेट हो रहा है, उसकी वेटेबिलिटी कैसी है, उस टाइम को क्या किया जाता है, नोट किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग ये आइडेंटिफाई करते हैं कि वेटिंग प्रॉपर्टीज़ की कितनी अच्छी है। तो उसी लिए हम यहाँ पर जनरली इसी के लिए हम क्या किया जाता है, ये ड्राइव टेस्ट किया जाता है कि वेटिंग कितनी जल्दी शो कर रहा है वो आपके टाइम को मेज़र किया जाता है, किसमें, ड्राइव टेस्ट में। तो आई होप कि यहाँ पर ड्रेव टेस्ट क्या होता है आपको समझ में आया होगा। तो वेटिंग प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है क्या, ड्रेव टेस्ट। नेक्स्ट दिया हुआ है कॉन्टैक्ट एंगल मेथड में, व्हेन एन इंटरफेस एग्जिस्ट बिटवीन ए लिक्विड एंड ए सॉलिड द एंगल बिटवीन द सरफेस ऑफ द लिक्विड एंड आउटलाइन ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस इज डिस्क्राइब एज द कॉन्टैक्ट एंगल। यानी कि जो हमारा सॉलिड है और जो हमारा लिक्विड है उसके बीच में इंटरफेस एग्जिस्ट करता है, उन दोनों के बीच में एक इंटरफेस होता है जो क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, और वहाँ पर आपका जो एंगल होता है वो एंगल डिफाइन करता है कॉन्टैक्ट एंगल, यानी कि उनके बीच का कॉन्टैक्ट एंगल कितना है, उसी को हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट एंगल। तो लोअर केस थीटा, यानी कि यहाँ पर थीटा अगर हमारा कैसा है, लोअर है, यानी कि थीटा की वैल्यू अगर जीरो है तो वहाँ पर वेटिंग प्रॉपर्टी अच्छी देखने को मिलती है। यही हम क्या कर रहे थे, वेटिंग एजेंट में भी हमने पढ़ा था, द कॉन्टैक्ट एंगल वेटिंग एंगल इज अ मेजर ऑफ वेटेबिलिटी ऑफ ए सॉलिड बाय अ लिक्विड।
यानी कि जो हमारा कांटेक्ट एंगल है वो हमारा डिटरमाइन करता है कि हमारा जो सॉलिड है वो कितना अच्छी वेटिंग प्रॉपर्टी में जनरली आपके शो हो रही है, यानी कि वहाँ पर कितनी अच्छी वेटेबिलिटी देखने को मिल रही है, ये शो करता है कौन, हमारा कांटेक्ट एंगल मेथड। तो कांटेक्ट एंगल मेथड्स नाम से ही आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कांटेक्ट एंगल को मेज़र करने के लिए क्या किया जा रहा है, ये यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे, एम्पिरिक टेस्ट हो गया और ट्रूथ टेस्ट हो गया, ये भी आपके यूज किए जाते हैं इसके लिए वेटिंग एजेंट के लिए। पार्टिकल पार्टिकल इंटरफेरेंस, देखिए पार्टिकल पार्टिकल इंटरेक्शन जनरली आपका यूज किया जाता है, ये भी आपके जनरली यहाँ पर देखने को मिलती है, दो पार्टिकल्स के बीच में इंटरेक्शन देखने को मिलता है। तो एक होता है फ्लॉकुलेटेड सिस्टम, एक होता है डीफ्लॉकुलेटेड सिस्टम। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि फ्लॉकुलेटेड सिस्टम और डीफ्लॉकुलेटेड सिस्टम क्या होते हैं। फ्लॉकुलेटेड सिस्टम का मतलब जिसमें क्या होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं वो वहाँ पर आपके फ्लॉक्स बना लेते हैं, और फ्लॉक्स बनाने के बाद नीचे वो रैपिडली वो आपके सेल सेटल डाउन हो जाते हैं। लेकिन हम बात करें डीफ्लॉकुलेटेड सिस्टम की, इस केस में ऐसा नहीं होता है, यानी कि डीफ्लॉकुलेटेड सिस्टम के केस में क्या होते हैं, पार्टिकल सेपरेटली आपके सेटल डाउन होते हैं और नीचे जाके हार्ड केक बना लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है दो फैकुलेटेड सिस्टम सेपरेटेड बाय अबाउट 1000 to 2000 एंगस्ट्रॉम, हैंस पार्टिकल आर लूजली स्ट्रक्चर। जो आपका जो फ्लॉकुलेटेड सिस्टम होता है इसमें जो आपका पार्टिकल होता है उसको जनरली सेपरेट करते हैं, सेपरेट करने का जनरली ये क्या बनाते हैं, लूजली स्ट्रक्चर फॉर्म्ड करते हैं, इसलिए इनको हम सेपरेट इजीली कर पाते हैं। वही हम बात करें डीफ्लॉकुलेटेड सिस्टम की, व्हेन एनर्जी बैरियर्स इज क्रॉस्ड पार्टिकल्स कम्स क्लोजर दिस फॉर्म केक, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या बना लेते हैं, आपका हार्ड केक बना लेते हैं धीरे धीरे सेटल होकर। लेकिन एक बार याद रखिएगा, डीफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि वैसे तो इजीली इनके पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन नहीं होते हैं, लेकिन एक बार अगर वो सेटल डाउन हो जाते हैं उसके बाद वो दोबारा से रिडिस्पर्स नहीं होते हैं, ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। इसीलिए हमारा डीफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन में ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि जनरली वो आपके जनरली रिडिस्पर्स नहीं होते हैं। तो आई होप कि यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब बात करते हैं किसके बारे में, इवेल्यूशन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ सस्पेंशन, यानी कि जो हमारा सस्पेंशन होता है उसके इवेल्यूशन की बात हो रही है, कैसे सस्पेंशन को इवेल्यूएट किया जाता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो कौन कौन से जनरली इवेल्यूएशन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ सस्पेंशन, यानी कि सस्पेंशन की स्टेबिलिटी को इवेल्यूएट करने के लिए हम कुछ यहाँ पर टेस्ट करते हैं, कौन कौन से टेस्ट होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला दिया हुआ है सेडिमेंटेशन मेथड। सेडिमेंटेशन मेथड आपका क्या करता है, जनरली सेडिमेंटेशन के केस में हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पार्टिकल्स होते हैं, जो भी हमारा डिस्पर्स्ड फेज होता है सस्पेंशन में, वो किसने टाइम पे आपका वो नीचे सेटल डाउन हो रहा है उससे हम क्या निकालते हैं, उसका सेडिमेंटेशन रेट निकालते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन मेथड। नेक्स्ट दिया हुआ है यहाँ पर रियोलॉजिकल मेथड। रियोलॉजिकल यानी कि यहाँ पर बात हो रही है किसकी, रियोलॉजी की। रियोलॉजी क्या है आपकी, जनरली ये स्टडी है किसकी, आपके फ्लो ऑफ फ्लूड की, यानी कि फ्लो ऑफ फ्लूड को हम क्या बोलते हैं, रियोलॉजी बोलते हैं। द स्टडी ऑफ फ्लो इज नोन एज रियोलॉजी। तो यहाँ पर बात हो रही है रियोलॉजिकल मेथड की, यानी कि सस्पेंशन का किस तरीके का फ्लो है, कैसे वो आपका फ्लो कर रहा है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, रियोलॉजिकल मेथड का यूज करते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोकाइनेटिक मेथड। इलेक्ट्रोकाइनेटिक मेथड्स का भी जनरली हम क्या करते हैं, यहाँ पर यूज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स का आपको जनरली आइडेंटिफाई करने के लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है प्लस आपका यहाँ पर एक जीटा पोटेंशियल भी होता है जनरली, उसको भी हम मेज़र करने के लिए जनरली उस टाइप की कंडीशंस को भी आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूज करते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है माइक्रोमैरेटिक्स मेथड। माइक्रोमैरेटिक्स मेथड आपके पार्टिकल को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या किया जाता है, प्रिफर किया जाता है। तो ये है डियर स्टूडेंट कुछ आपके जनरली इवेल्यूएशन पैरामीटर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ सस्पेंशन को आइडेंटिफाई करने के लिए क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो चलिए एक एक करके थोड़ा सा सबको समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, सेडिमेंटेशन मेथड के बारे में।
तो सेडिमेंटेशन मेथड क्या होता है, अभी हमने डिस्कस किया था। सेडिमेंटेशन मेथड्स के केस में क्या होता है, सस्पेंशन टू बी फिल्ड इन अ मेजरिंग सिलेंडर। क्या किया जाता है, जो सस्पेंशन होता है उस सस्पेंशन को मेजरिंग सिलेंडर में फिल्ड किया जाता है। मेजरिंग सिलेंडर में फिल्ड करने के बाद इन अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन फॉर डेफिनाइट टाइम पीरियड, यानी कि जिसमें हमें उसको क्या नहीं करना है, डिस्टरबेंस नहीं करना है, उसको ज़रा सा भी टच नहीं करना है, उसको ज़रा सा भी क्या नहीं करना है, मूव नहीं कराना है। उसके बाद हाइट ऑफ सॉलिड विल बी मेजर्ड द ग्राफ ऑफ सेडिमेंटेशन वॉल्यूम प्लॉटेड अगेंस्ट टाइम, यानी कि उसमें हम क्या करते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें जो हाइट होती है उन पार्टिकल्स की, उस पार्टिकल्स की हाइट को मेजर करते हैं हम। जैसे जैसे पार्टिकल्स आपके नीचे सेटल डाउन होते हैं, सेटल डाउन टाइम को हम क्या करते हैं, नोट करते हैं, उससे आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा जो सेडिमेंटेशन रेट है वो कैसा है। तो ए स्टेबल सस्पेंशन शोज हॉरिजॉन्टल एंड लेस स्टिप कर्व, यानी कि एक जो स्टेबल सस्पेंशन होता है उसमें हॉरिजॉन्टल और जो स्टीप कर्व होता है वो कैसा होता है, लेस होता है। यानी कि अगर हम बोलें कि स्टीप कर्व ज़्यादा है, मतलब सस्पेंशन हमारा कैसा है, अनस्टेबल फॉर्म में है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं माइक्रोमैग्नेटिक्स मेथड्स की। तो माइक्रोमैग्नेटिक्स का मतलब यहाँ पर बात हो रही है, यानी कि पार्टिकल साइज की बात हो रही है। माइक्रोमैग्नेटिक्स में हम क्या करते हैं, स्टडी ऑफ पार्टिकल साइज हम किस में करते हैं, माइक्रोमैग्नेटिक्स में। तो देखिए, बाय यूजिंग माइक्रोस्कोप काउंटर काउंटर मेथड पार्टिकल साइज विल बी स्टडीड, यानी कि माइक्रोस्कोप के थ्रू और आपका जो काउंटर काउंटर मेथड है उसके थ्रू भी हम क्या करते हैं, पार्टिकल के साइज की स्टडी करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, सो एनी चेंज इन पार्टिकल साइज विद रेफरेंस टू टाइम विल प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग स्टेबिलिटी ऑफ सस्पेंशन। यानी कि अगर सस्पेंशन के केस में, मान लीजिए सस्पेंशन में जो पार्टिकल्स आपके प्रेजेंट हैं उनमें कोई चेंजेस आपको देखने को मिल रहा है, तो उस चेंजेस को आप क्या कर सकते हैं, उसको मेजर करके आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सस्पेंशन हमारा इनस्टेबल फॉर्म में है या फिर स्टेबल फॉर्म में। अगर कुछ भी आपको उस पार्टिकल साइज में चेंजेस में दिख रहा है तो उससे हम आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि सस्पेंशन हमारा कैसा है, स्टेबल फॉर्म में है, चेंजेस उसमें नहीं देखने मिलने चाहिए। तो वो हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं किसमें, माइक्रोमैग्नेटिक्स में। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर रियोलॉजिकल मेथड की। तो अभी हमने बात की थी कि जो रियोलॉजिकल मेथड होता है ये यूज किया जाता है किसके लिए, हमारे जो सस्पेंशन का जो फ्लो होता है उस फ्लो को आइडेंटिफाई करने के लिए रियोलॉजिकल यानी कि मेथड को प्रिफर करते हैं। तो द विस्कोसिटी ऑफ सस्पेंशन इज स्टडीड बाय यूजिंग विस्कोमीटर। जो विस्कोसिटी ऑफ सस्पेंशन है हमारी, वो हमारी क्या की जाती है, स्टडी की जाती है किसके द्वारा, विस्कोमीटर के द्वारा। विस्कोमीटर में हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स की विस्कोसिटी को मेजर करते हैं। तो इसके द्वारा भी सस्पेंशन की विस्कोसिटी को यहाँ पर हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है इलेक्ट्रोकाइनेटिक मेथड। तो इलेक्ट्रोकाइनेटिक मेथड क्या होता है, जनरली ये यूज किया जाता है बाय यूजिंग जीटा पोटेंशियल और बाय सरफेस इलेक्ट्रिक चार्ज यूजफुल टू फाइंड आउट द स्टेबिलिटी। यानी कि जीटा पोटेंशियल और हमारा यहाँ पर सरफेस इलेक्ट्रिक चार्ज जो है ये हम यहाँ पर क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, जो कि डिफाइन करता है, जो कि यूज किया जाता है सस्पेंशन की स्टेबिलिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो ये आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मेथड्स हैं, इवेल्युएशन हैं आपके पैरामीटर्स जो कि आपके इवेल्युएट करते हैं सस्पेंशन की स्टेबिलिटी को, जिसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके मेथड्स को क्या किया था, कवर किया था। मोस्टली यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज जनरली यूज्ड फॉर इवेल्युएशन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ सस्पेंशन। तो यहाँ से आपको ऑप्शन देखने को मिल सकता है, इलेक्ट्रो देखने को मिल सकता है, रियोलॉजी देखने को मिल सकती है, माइक्रोमैग्नेटिक्स। ये भी पूछा जा सकता है कि माइक्रोमैग्नेटिक्स में हम क्या करते हैं सस्पेंशन के केस में, तो वहाँ पर हम पार्टिकल के साइज को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं माइक्रोस्कोप के थ्रू, या फिर हमारा वहाँ पर काउलर काउंटर मेथड के थ्रू हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये थे डियर स्टूडेंट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स किससे रिलेटेड, आपके फॉर्मुलेशन ऑफ सस्पेंशन से रिलेटेड, जो कि बहुत ही बेनिफिशियल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मोस्टली क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।